जय श्या राम। या सिट डाउन। अंग्रेजी हमारी ठीक ठाक हो गई? आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, जय श्री कृष्ण। बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। वहाँ बैठे बैठे बात कर रहे थे यहाँ के दरबार के विषय में, और क्या बुलाएंगे, क्या होता है, हीलिंग्स क्या है, ये सब चर्चाएं हम सुन रहे थे। इनको बोल सकते हैं स्पिरिचुअल पावर बाय लॉर्ड हनुमान, वैविक पावर। आप नजदीक आ जाए, आप आ जाए नजदीक। आप तो हिंदी पढ़ लेते हैं, ठीक है, माइक ले लो आप, बोलो। एनी क्वेश्चन? बस यही उसका एमएस है। क्या हो गया है? एमएस से क्या होता है? इससे ब्रेन के ये बीमारी है, तो दर्द बहुत दर्द होता है, नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकते। और मैं बेटी को भी प्रॉब्लम, उसकी बीवी, मैं सास हूँ, मैं उसकी सास हूँ। हम समझ गए, दामाद हैं। ये दामाद हाँ जी। हाँ। और मेरी बेटी को भी प्रॉब्लम है। कोई बात, और कोई बात पूछेंगे आप? पढ़िए। दामाद को पूरे शरीर की नस में दिक्कत, ब्रेन में समस्या बन गई है, शून्यपन आ रहा है पूरे शरीर में। जो प्रश्न लेकर मूलतया आई हैं, कृपा होगी, आराम लगेगा, डॉक्टरी सलाह चलाते रहें, 3 वर्ष में इनको 60% आराम मंत्र चिकित्सा के बल पर लग जाएगा। आशीर्वाद है। और पूरे घर में दिक्कत, आए हैं वो क्या? इन्फेक्शन है, डायलिसिस स्थिति हो रही है, बहुत गंभीर हालत हो रही है, दवा भी असर नहीं कर रही, दोनों में दिक्कत बन रही। पहले हम इनका उपाय कर देते हैं, इनके लिए हमें गुरु जी की आज्ञा लगी, तो आज हम मंत्र का प्रयोग इनको कर देते हैं। कल आप उनको लेवा लाना, तो कथा के बाद या कैसे भी बन करके हम उनको झाड़ा लगा देंगे। अभी केवल इनको, क्योंकि इनके लिए बहुत ज़्यादा शरीर सिकुड़ ना जाए, हमको जो दिक्कत बन रही आ रही है, शरीर सिकुड़ जाएगा, शून्यपन हो जाएगा, कोमा की स्थिति में जो लक्ष्य है इसका, लेकिन ऐसा होने नहीं देंगे। हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना में बहुत ताकत होती है, डॉक्टरी सलाह भी बंद नहीं करना है, दुआ और दवा दोनों चलाना है। हनुमान जी निश्चित रूप से कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। आप चिंता मत करो, इसमें एक मंत्र भी हमने लिखा, और इनको मुट्ठी बांधने को बोलो। ये बीच में बहुत शरीर पीड़ा का अनुभव करते हैं, अभी है लिटिल लिटिल, पूछो जरा। यस बोले ना। राम राम राम, दोनों हाथ ऐसे मलो, बोलो माँ, पूरे बॉडी में लगाओ, पूरे बॉडी में बोलो राम 2 times। स्थान छोड़वा दीजिए, अनुभव पूछो अब।
How do you feel now? या उसके बैक में जो दर्द था ना वो कम हो रहा है, ऐसे बोल रहे हैं। खड़े एक बार करवा दीजिए उनको, एक बार खड़ा करवा दीजिए। ये जो दवाई लेते हैं ना सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग जहर है। राम 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 राम। बैक में लगवाओ इनको, दोनों हाथ ऐसे करा के जो बैक पेन है। पैर में लगाओ, लेग्स पैर में, थोड़ा चलो। How do you feel? Huh? Mike in Kodija. How do you feel? Better. कल फिर से मंत्र चिकित्सा की इनकी कल या परसों में लेकर आइए, हमें भरोसा है। आप अंग्रेजी में इनको बोल दो ठीक हो जाएंगे। और कहे कि ये ठीक हो जाएंगे, आप चिंता ना करें, बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर है इनका और बहुत अच्छे हैं और बहुत जल्दी पूरा ठीक होंगे। हमें अपने लॉर्ड हनुमान पर भरोसा है। He said you will be totally cured. Welcome. खुश रहो। या ओके वेलकम। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी हम छुड़वा देंगे ये लकड़ी। वेलकम। पुलिस ने भी इंफॉर्मेशन दी है कल से ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं करे, जिस हॉल में पार्किंग नहीं है तो बाहर पार्क करके आइए। धन्यवाद। और गाड़ी वहां से हटा ले अभी, जिन पे भी हो भाई पैसा ना लग जाए, इसलिए आप ऐसा कर। जय श्री राम। विषय जाऊं बोलो जय श्री राम। देखो हम आपको बताएं, बागेश्वर हनुमान जी की जो ताकत है, सामर्थ्यता है, अद्भुत है। और हम केवल मन की बात या बीती हुई बात या होने वाली बात नहीं बताते, जो कह दिया जाएगा वो होकर रहेगा, ऐसा हमें अपने हनुमान जी पर है, नहीं होता है। और लंदन में भी कई लोगों के साथ बालाजी ने लीलाएं की, तुम्हारे साथ भी करेंगे, आशीर्वाद है। ऐसे बैठो मां इनकी तरफ। कहां से हो? अमेरिका से। हाँ अद्भुत। बालाजी ने माइक लीजिए। अमेरिका में कहां रहते हैं? ये तो इंटरनेशनल दरबार हो गया साहब। आप कोई गुरुजी हमारे बता रहे हैं, कोई चिट्ठी लेकर आए हैं छोटी सी, खोल लीजिए। हाँ पढ़िए। प्रश्न कर लीजिए अब आप। माइक से बोलेंगे, बिना माइक के बोलेंगे, माइक से बोलेंगे बहुत अच्छा लगे।
जी मेरी बेटी अभिलाषा सूरी, तो क्या नाम है? अभिलाषा सूरी। हिंदी आती थोड़ी सी? ठीक है चलेगा, आप प्रश्न करो। इसको ब्रेन यहाँ पे थर्ड आई की तरफ हड्डी में ट्यूमर, बिनाइन ट्यूमर बन गया। इसका ऑपरेशन करवाया, 8 घंटे ऑपरेशन में रही। उसके बाद 3 महीने के बाद दोबारा वो दोबारा से बन गया। तो मम्मी ने फिर मेरा लड़का उससे पहले जो कि बहुत अच्छा पढ़ाई में जीनियस बाबा की दया से उसको भी कुछ हो गया। उसको उसको कान जैसे वो कोई आवाज आए तो उसको कान वो चुभती है। इवन मैं 3 मंजिल नीचे होंगी, मैं टैब भी खोल रही थी, उसको चुभती है। तो थोड़ा मतलब कि उस पर भी दया करो, वो बहमी हो जाता है। मेरे हाथ का खाना नहीं खाता, मतलब कि हाथ में टच कर लिया वो खाना नहीं खाएगा। वो अब आपको पता है। ठीक है, और कोई बात? हमने ऐसा लिखा, 2 चिट्ठी लाई हैं, एक में प्रश्न लिखा, एक में गीत लिखा। बच्चों का करियर का विषय है। नंबर एक, बेटी को ट्यूमर बना हुआ है जिसको लेकर परेशान है, दोबारा हुआ है, अब नहीं होगा, आराम लग जाएगा, चिंता ना करें, आशीर्वाद। बेटा को कान की समस्या बनी हुई, आवाज़ बहुत तेज आ रही है किसी नस के कारण, किसी नस के कारण। वह लाभ डॉक्टरी सलाह से होगा। आप अपने घर पर अखंड रामचरित मानस का पाठ करवावें तो आपके घर की समस्त समस्याओं का समाधान होगा। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है, पितृदोष बना है, पितरों के दोष के कारण पूर्व में अकाल मृत्यु योग बना है, पूर्व में अकाल मृत्यु योग बना है, इसी कारण से यह समस्याएं ग्रसित हैं और दवा काम नहीं करती, अब नहीं होगी, आशीर्वाद है। जय श्या राम। बिल्कुल, अच्छा, हम बहुत जल्दी आएंगे। बिल्कुल माँ, धाम कब आ रहे हैं? जल्दी आओ, हम कुछ कवच वहीं आपको उपाय देंगे, बालाजी उससे दया करेंगे, और इसकी आवश्यकता नहीं है। हाँ, फोटो आप हमें दे दीजिए, एक आपकी निजी भी लिखी, कोई काम अटका पड़ा है तो उसकी भी अर्जी आपकी आ गई। ये एक फोटो दे दीजिए बेटे पर, ये बात, ये आपके काम का तो नहीं ना। चलें, तो ये वाला उपाय हम कर देते हैं। इसमें हमने उपाय भी लिख दिया है, उपाय में हमने अखंड रामायण वाला पूरा पाठ लिख दिया, अखंड रामायण का पाठ कब करवाना चाहिए, मंत्र भी लिख दिया और नियम भी लिख दिया है। और ये मंत्र है ओम श्रीम, ये पाठ का है अखंड पाठ, अमावस्या को करवाना है, अमावस्या को आप अपने घर में। हाँ, और श्रीम घर का है। ठीक मैया, तो कब आए थे आप यहाँ? धन्यवाद। धन्यवाद, उसी में रखते थे, उसी में अभी रखी रहने दो, हम अभी पाली। अच्छा, रख दो उसी में, पहुँचा देंगे। चलो, और हम अमेरिका आते हैं पक्का। जय श्या राम, खुश रहो, बिल्कुल ठीक हो जाओ। बस बेटी वहाँ से बबूती ले लो और हम उपाय कर देते हैं, ठीक हो जाए, हम उपाय करवा देंगे। इसीलिए तो धाम को कहा, तो आप धाम जब आएंगे करवा देंगे, आशीर्वाद।